अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आपका हमारी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट वाई डॉक्टर सी भी में स्वागत है आज हम आपको हेलो एल्केन जो हेलो एरिन हमारा चैप्टर था उसका पार्ट नंबर फाइव पढ़ाऊँगा और जैसा कि हमने इसका जो पार्ट फोर था उसमें हमने बताया था आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज टू टाइप्स की होती हैं एक तो न्यूक्लोफाइल सबस्टिट्यूट रेक्शन होती है दूसरी होती है इलेक्ट्रोफाइल सबस्टिट्यूट रैक्शन यानी एक तो बेंजीन रिंग रिएक्ट करती है और एक क्लोरीन डायरेक्ट रिएक्ट करता है मैंने उसमें आपको कुछ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बता दी थी और आज जो मैं रिएक्शन बताऊँगा उसमें आपको बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन होंगी और आपका रिडक्शन होगा और रिएक्ट विद मेटल होंगी ये सारी रिएक्शनें होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसमें डी 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 फॉर्मेशन डी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन और हर कंपटीशन लेवल में आता है तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा बांटूं और तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प करो बस सिर्फ़ कमेंट बॉक्स में कैसा लगा अच्छा लगा जो भी लग रहा है उसे हमें जिससे कि हमें एनर्जी मिले उससे तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है तो आज चलो चलते हैं हम इस पार्ट की ओर तो हम अब आपको रिडक्शन बताते हैं वॉट इज़ दिस रिडक्शन क्या है जैसा कि हमने हेलो एल्केन में बताया था रिडक्शन वहां हमने इसके लिए जितने भी उसके आ, रीजेंट थे वो सारे बताए थे जो औपचायक थे तो अब हम रिडक्शन की बात करते हैं सीधे जो भी रिएक्शन चल रही हो आपकी रिडक्शन की बात करता हूं मैं रिडक्शन बोले तो अपचयन ठीक है तो रिडक्शन हम रिडक्शन यहाँ पे रिडक्शन ऑन और डिपेंडेड कैटलिस्ट उसके कैटलिस्ट पर डिपेंड होता है तो हमारे पास क्या है क्लोरोपेन्जीन है अब ये क्लोरोपेन्जीन है और क्लोरोपेन्जीन एलोजन जुड़ा हो रिडक्शन तुम्हें पता है नेसेंट हाइड्रोजन से होता है अब इसमें हम इसको इस क्लोरीन को उठाने के लिए हमने बताया था ये वाला जो हेलोजन है इस पर डबल पार्शियल बॉन्ड होता है इसको उठाने के लिए हमें क्रिटिकल कंडीशन तैयार करनी होती है तो हम लिथियम एलूमियम हाइड्राइड एक कैटलिस्ट ले सकते हैं इसको ले सकते हैं और दूसरा कैटलिस्ट भी ले सकते हैं एन ए सी एल ओब्लिक एल्यूमिनियम एन एच ये दूसरा कैटलिस्ट के, है इन दोनों में से कोई सा कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं दोनों ही सफिसियट हैं तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये सीधा इसे किस में कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा किस में कन्वर्ट करेगा बेंजीन और प्लस यहाँ हाइलोजन एसिड निकाल देगा दैट इज बेंजीन ये क्या बन गया बेंजीन रिडक्शन में क्या हैलोरो बेंजिन रिएक्ट विद नेसेंट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड बेंजीन एंड हेलोजन एसिड दैट इज रिडक्शन इट मींस ऐसे समझें आपसे सी सिक्स एच फाइव बॉन्ड सी एल प्लस एच अब यहाँ हमने टू हाइड्रोजनस लिए एच बॉन्ड एच करके मैं लिख सकता हूँ इसे तो ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट हो जाएगा ठीक है तो ये हाइड्रोजन बचा ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ ये यहाँ से तो ये, तो ये, ये यह यहाँ तो पे जुड़ जाएगा तो अपना कैटलिस्ट वही है लिथियम एलमुनियम हाइड्रेट हाइड्राइड तो इट तो क्या आप सी सिक्स एच सिक्स प्लस एच सी एल ठीक है तो ये हो गया रिडक्शन अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें यहाँ पे हम अब बात करते हैं रैक्ट विद मेटल तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो मैं रैक्ट विद मेटल में सारी रिएक्शन एक साथ बताना चाहूँगा आपको ठीक है तो इसे बोलते हैं रिडक्शन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे भी हमें मेथिन बनाता है और यहाँ पे बेंजीन बनाए एरोमेटिक कंपाउंड बनाए अब हम बात करेंगे रिएक्ट विद मेटल यानी यहाँ पे हम एम से रिएक्ट कराएंगे सोडियम से रिएक्ट कराएंगे ठीक है और लिथियम से रिएक्ट कराएंगे वहाँ पे हम हमने आपको बुट्स रिएक्शन पढ़ाई थी या फिटिंग रिएक्शन पढ़ाएंगे और बुट्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ाएंगे ये नेमिंग रिएक्शन है मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि नेमिंग रिएक्शनों के लिए अलग से सेपरेट अपनी कॉपी पर अलग लिखते चलें और एक साथ क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं हम हम बात करते हैं रिएक्ट विद मेटल रिएक्ट विद मेटल धातुओं से क्रिया धातुओं से क्रिया धातुओं से क्रिया धातुओं से क्रिया में सबसे पहले मैं बताता हूं रिएक्ट विद एम जी तो वहां पे जब हमने एल के लेलाइड में अभी मैं यही बताऊंगा तो रिएक्ट विद एम जी रेक्ट विद एम जी एमजी इज फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड ग्रिग रिएजेंट क्या बनेगा रिएजेंट रिएजेंट बनेगा वहां पे भी ग्रिग रिएजेंट रियजेंट बना था वहां बना था आर एमजीएक्स और यहां बनेगा ए आर एम जी एक्स क्या बनेगा ए आर एमजीएक्स आप समझें जरा अगर मैं हेलो की बात करूं तो हेलो एल्किन हमारे पास ये था आर एक्स था और रिएक्ट विथ एम जी एम जी को मान लो एक भिखारी है दोनों हाथ ऐसे लेके बैठा है तो एक तरफ क्या जुड़ जाएगा आर जुड़ जाएगा एक तरफ सी एच जुड़ जाएगा तो बन जाता है आर एम जी एक्स जैसे सपोज दैट ये दी है तो एक तरफ तो ये आर जुड़ गया ये वाला आर हो गया और ये हेलोजन है ऐसे जुड़ जाएगा दैट इज क्लियर तो इट मीन्स आप समझें तो इस पर क्योंकि इस पर चार्ज टू होता है तो दोनों तरफ सफिशियंट चार्ज मिल जाएगा और इस रिएक्शन को जो कराएंगे वो ड्राई ईथर में कराएंगे ड्राई ईथर क्योंकि एम जो होता है वो ज्यादा रेक्टिविट इसकी रिएक्टिविटी पावर ज्यादा होती है तो ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी पावर कम हो जाए तो यहां क्या बनेगा आर एम जी एक्स दैट इज ग्रिगनाड एजेंट ये होता है ग्रिगनाड रिएजेंट इसको बोलते हैं ग्रिगनाड रिएजेंट ये है आपका ओपनचन रिएजेंट अब हम दूसरी बात करें अब हमारे पास क्या हैलो एरी ने ए आर प्लस एम तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डी का मतलब होता है ड्राई इथर इज फॉर्मड क्या बनेगा ए आर एम जी एक्स इसको बोलते हैं यानी फेनिल मैग्नीशियम हेलाइड ठीक है फेनिल मैग्नीशियम हेलाइड तो अब इट मींस अब हमारी रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन सी सिक्स एच फाइव सी एल प्लस एम जी तो यहां क्या फॉर्म होगा ड्राइथर तो एआर की जगह क्या लग जाएगा सी सिक्स एच फाइव बॉन्ड एम जी बॉन्ड सी एल क्या बन गया फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड इसको बोलते हैं ग्रिगनाड रिएजेंट ग्रिग नार्ड रिएजेंट दैट इज क्लियर ग्रिगनाड रिएजेंट इसको फैनिल फैनिल मैग्नीशियम क्लोराइड फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज क्लियर तो ये फॉर्मेशन हुआ अगर हम ये एरोमेटिक ग्रिगनाड एजेंट फॉर्मेशन के लिए आ जाता है तो आप सीधी सी वही एल के लिए वाली रिएक्शन है सेम तो डिक्टो है बिल्कुल आप समझ पाएंगे इस रिएक्शन को अब मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूँ यहाँ अब हम बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन इसका फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लो आप मैं अब बात करूंगा रिएक्ट विथ सोडियम जब हम एल्किल के की देखो वहां पे हमने बुट्स रिएक्शन पढ़ी थी यानी जब हमने एल की यानी आर एक्स की सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी तो वहां कौन सी रिएक्शन मिली थी हमें बुट्स रिएक्शन और क्या बना था हायर एल की यानी डबल आर बना था तो यहाँ पे भी डबल आर ही बनेगा बट वो एरोमेटिक डबल आर होगा क्या होगा तो यहाँ पे इस रिएक्शन को नाम क्या दे दिया है फिटिंग रिएक्शन क्या नाम दिया है भाई फिटिंग रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन फिटिंग अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया क्या नियम दिया है साथियों फिटिंग अभिक्रिया तो फिटिंग वहां पे हमने वहां पे पढ़ी थी बूट्स रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी बूट्स रिएक्शन पहले मैं बूट्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा बूट्स रिएक्शन तो वहां हमने एल्किल एलाइड यानी एल्किल एलाइड 2 लिए थे सोडियम मॉलिक्यूल्स भी 2 थे तो क्या बना था ड्राई इथर था इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर तो बना था आर आर प्लस टू एन एक्स दैट इज क्लियर लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई यहाँ हम क्या यूज करेंगे ए आर एक्स सोडियम के टू मॉलिक्यूल्स होंगे अब एक सोडियम में इधर ले लेता हूँ और इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे एक इधर ले लेता हूँ सोडियम ठीक है तो ये इसके साथ चला जाएगा क्योंकि सोडियम बेरीरेक्टिफाइड एलिमेंट होता है तो ये इसके साथ चला जाएगा अब इसमें जो प्रेजेंस होगी वो ड्राई इथर की होगी आप खुद समझें तो ये ये चले गए तो ये क्या बना टू एन एक्स बन गया यहाँ क्या रह गया ये बॉन्ड ब्रेक हो गया नहीं हो गया यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा तो मतलब क्या बना ए आर ए आर यानी डाई फैनल इसे बोलते हैं डाई फेनिल इट मींस दैट इज जनरल रिएक्शन अब मैं बात करता हूं जो कंपोनेंट की रिएक्शन होगी वो यानी सी सिक्स एच फाइव सी एल सी एच फाइव सी एल प्लस एन एन ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा ये इसके साथ दो सोडियम मॉलिक्यूल्स लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज फॉर्म्ड तो ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा ये आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स एच फाइव प्लस टू एन ए सी एल डाइफ एन एल क्या बनेगा डाइफेन एल अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में इस रिएक्शन को देखा जाए तो ये होगी सी एल एन ए तो इसके टू मॉलिकूल्स अलग अलग ही करते हैं आप समझें एन ए प्लस सी एल तो सीएल इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और ये वाला इसके साथ दो हो गए तो ये ये फ्री और ये फ्री तो इसको हमें बेंजीन रिंग को थोड़ा घुमा के लिख देता हूं ऐसे बना देता हूं दिस प्लस एन ए सी एल टू एन ए इसको बोलते हैं डाइफ यानी इसका फॉर्मूला सी सिक्स एच फाइव होता है सी सिक्स एच फाइव ये होता है तो ये बन जाता है डाईफेनिल इसको बोलते हैं कौन सी रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन व्हाट इज दिस फिटिंग रिएक्शन यानी फिटिंग रिएक्शन क्या होती है टू मॉलिक्यूल्स टू इन दिस रिएक्शन यूज टू मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन एंड टू मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर इज फॉर्म्ड डाइफेनिल इट्स कॉल फिटिंग रिएक्शन जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया जब क्लोरोबेंजिन के दो अड़ुओं की क्रिया सोडियम के दो अड़ुओं के साथ शुष्क ईथर की, की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें डाईफेनल प्राप्त होता है इस क्रिया की क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं फिटिंग रिएक्शन दैट इज क्लियर ये फिटिंग रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी इसका स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट से अब मैं बताऊंगा आपको बुट्स फिटिंग रिएक्शन यानी उसमें फिटिंग रिएक्शन भी होगी और बुट्स रिएक्शन भी होगी ये दोनों से मिक्सअप करके ये रिएक्शन बनाई गई है

इथर एल्कोहल एंड फिन पढ़ाएंगे और वो सीबीएसई पी बोर्ड में दोनों में ही पांच नंबर का आता है तो अब हम बताते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन वुड्स फिटिंग अविक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बुट्स फिटिंग रिएक्शन देखिए बुट्स रिएक्शन में हम क्या यूज करते थे आर एक्स और फिटिंग रिएक्शन में क्या यूज करते थे ए आर एक्स दैट इज क्लियर अब सोडियम तो यूज करेंगे ये मेटल तो लेंगे इसी के साथ रिएक्ट हो रही है तो आप जरा समझें समझना आरएक्स एनी एक्स ए आर और यहाँ पे भी एक ले लेता हूं। प्लस तो ये आपस में रिएक्ट हो जाएगा और ये आपस में रैक्ट हो जाएगा बात को जरा समझना तो ये बॉन्ड फ्री हो गया ये आपस में रिएक्ट हो जाएगा ये आपस में रैक्ट हो जाएगा और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर ये ड्राई ड्राईथर की प्रेजेंस में होती है तो इधर क्या बना भाई इधर बन गया ए आर आर प्लस टू एन ए एक्स दैट इज जनरल या एक सामान्य विक्रिया है इसकी जगह आप वैल्यू लगाएंगे, लगाएंगे और आर की जगह सी एच थ्री लगाएंगे समझें सी एच थ्री सी एल प्लस सी सिक्स एच फाइव सी एल प्लस सोडियम कितने सोडियम एक जी और एक जी तू. टू टू मॉलिक्यूल सोडियम इन ड्राई ईथर अब क्या फॉर्म होगा सी सिक्स एच फाइव सी एस थ्री प्लस टू एन ए सी एल दैट इज इसे क्या बोलते हैं टोल्व इन बोलते हैं अगर स्ट्रक्चर बेस में देखी जाए रिएक्शन एन ए एक और एन एस सी एल सी एस थ्री ये आपस में रेक्ट ये आपस में रैक्ट तो ये जो रिएक्ट हो गए इसका पार्ट बना दो तुम क्या बन गया एन ए सी एल बचा क्या तुम्हारे पास ये वाला बना पूरा फिगर इसे लिखो ऐसे करके बॉन्ड क्या बचा सी थ्री तो दैट इज टॉलविन ये इसे क्या बोलते हैं टॉलविन

ड्राई ईथर की उपस्थिति में शुष्क इथर की उपस्थिति में, में क्रिया कराने पर टॉलुन प्राप्त होता है इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं बुट्स रिएक्शन कहते हैं दैट इज क्लियर अगर आप इंग्लिश में बात करो तो सिंपल सी बात है वन मॉलिक्यूल्स यूज मेथाइल क्लोराइड एंड वन मॉलिक्यूल्स यूज क्लोरोबेंजिन एंड टू मॉलिक्यूल्स यूज सोडियम मेटल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज फॉर्म टोल्युन इट्स कॉल्ड बुट्स फिटिंग रिएक्शन आई होप आपकी रिएक्शन समझ में आ गई होगी तीनों तरीके से बताइए आप कोई सी समझना तो समझ ले 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 अगर ये लिथियम के साथ रिएक्ट होती है तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देगी ये डायरेक्ट फेनिल लिथियम बनाती है केवल और वहां पर भी लिथियम ही बना था उस रिएक्शन को अगर के देखा जाए तो आप चेक कर सकते हैं एल के ललाइड के हमारे टोटल सेक्शन पंद्रह लेक्चर हैं और पंद्रह लेक्चर में जो सोलह लेक्चर है वो एक्सरसाइज है पूरी एनसीआरटी का विद सॉल्यूशन उसे देख लें और अपनी तैयारी करें बढ़िया तरीके से क्योंकि एनसीआरटी बुक फॉलो करो अब हम लास्ट सेक्शन बताते हैं रियक्ट विद लिथियम रियक्ट विद लिथियम मेटल लीथियम धातु से क्रिया ठीक है तो एक सिंपल सी बात लीथियम की भी रेक्टिविटी पावर काफ़ी अच्छी होती है तो सी सिक्स एच फाइव सी एल प्लस टू यूज लीथियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है तो यहाँ बन जाएगा सी सिक्स एच फाइव एल आई प्लस एल आई सी एल इसको बोलते हैं फेनिल क्या बोलते हैं लीथियम। और दैट इज लिथियम क्लोराइड आप जानते होंगे इस चीज के बारे में तो जब वो फेनिल क्लोराइड की रिएक्शन हम लिथियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में तो मैं क्या प्राप्त होता है फेनिल लिथियम और वहां क्या बनाता वहां की बात बता दूं आर एक्स प्लस टू मॉलिकुल्स एल आई डायरेक्ट रिएक्शन हो गई थी तो क्या बनाता आर एल आई प्लस एल आई सी एल ये उधर बना था ये एल के लेलाइट की बात कर रहा हूँ ये हेलो एरिन की बात चल रही है दैट इज क्लियर तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी अब सब पे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने के लिए जा रहा हूँ द फॉर्मेशन ऑफ डी डी टी विद क्लोरोपेंजिन यानी क्लोरोपेंजिन से हम डी डी टी कैसे फॉर्म करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत अच्छे से समझना है आ, हमने अब हम बात करें हमने जब लैब प्रोसेस में क्लोरोफॉर्म बनाया था तो वहाँ क्लोर बना था अब जब हम क्लोरल की रिएक्शन किससे कराएंगे क्लोरोबिन से कराएंगे तो हमें डीडीटी फॉर्म होता है क्या फॉर्म होता है डीडीटी और ये रिएक्शन एस टू फोर की प्रेजेंस में होती है और यहां फॉर्मेशन डीडीटी होता है द फॉर्मेशन ऑफ डी डी टी फॉर्मेशन डीडीटी फॉर्मेशन अदर रिएक्शन में समझ लेना फॉर्मेशन डी डी टी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कल जो हम रिएक्शन का पार्ट पढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ्टिव रिएक्शन बताएंगे बे रिंग से ठीक है और वो एक लेक्चर में वो सारी रिएक्शन हम खत्म करेंगे इसीलिए डी को आज ही बता देता हूँ मैं डी डी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो डी बनाते कैसे एक सिंपल सी बात एक समझ लो यानी डी कैसे बनाते हैं क्लोरल क्लो क्लोरल प्लस टू मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजिन क्लोरोजिन इन प्रेजेंस ऑफ एस टू एस ओ फोर वॉटर लीव हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा डी डी टी आप ऐसे समझ लो अब क्लोरल का फॉर्मूला क्या था क्लोरल था सी सी एल थ्री सी सी एल थ्री सी एच ओ ये था क्लोरल ठीक है अब क्लोरोबेंजिन में कितने मॉलिक्यूल्स लोगों? टू टू मॉलिकूल्स क्लोरोबेंजिन सी सिक्स एच फाइव सी एल ठीक है अब इसके दो हाइड्रोजन इसमें से इसके साथ निकल के वॉटर बना देंगे क्या बना देंगे वॉटर वॉटर निकल गया अब यहां से ओ ऑक्सीजन अट गया तो क्या बचा सी सी एल थ्री सी एच बॉन्ड सी सिक्स एच फोर सी एल इधर क्या बचा सी सिक्स एच फोर सी एल अभी समझ में आएगा अभी कैसे बन रहा है ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है That is DDT. अब समझें बहुत सिंपल bond आप, बहुत देखो, एच बॉन्ड मैं क्लोरोबेंजीन को इस तरीके से लिखता हूं दैट इज क्लोरोबेंजीन स्ट्रक्चर बेस में लिख रहा हूँ ऐसे तो ये क्या करेगा ये वाटर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की तो सॉरी ऑक्सीजन की तो ये क्या करेगा इसको रिमूव करेगा अब रिमूव करेगा बात समझो जब ये ऑक्सीजन ये निकल गया तो क्या? हो हुआ क्या एक्चुअल में ये हुआ ये तो सी सी एल थ्री रहेगा सी सी एल थ्री सी एच ठीक है सी एच दो बॉन्ड फ्री दो बॉन्ड फ्री।, फ्री और एच एच तो ये भी तो बॉन्ड फ्री हो गए दोनों तो ये दोनों बॉन्ड फ्री हो गए तो यहां पे बेंजीन जोड़ दो सी एल ऐसे इधर जोड़ दो सी एल और माइनस एस टू अब इसे डीडीटी क्या क्यों बोला डाई दो सी एल है तो इसे बोलेंगे डाई दो फेनिल है डाई फेनिल डाई फेनिल ट्राइक्लोरो ट्राई क्लोरो अब दो कार्बन है एथेन इसलिए डी डी टी इसलिए शॉर्ट में क्या बोल देते हैं डी डी टी वैसे पूरा नाम क्या डाईक्लोरोनिल ट्राईक्लोरो एथेन इसका फुल नेम होता है डीडीटी अब तुम ये सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बन गया ये सर पॉसिबल कैसे नो no प्रॉब्लम आप जरा समझें देखिए यहाँ यहाँ क्या होता है सी एच होता है एक एच निकल गया तो एच कितने रह गए देखो एक एच इधर एक जे एक जे एक जे चार एच हो गए चार हो गए देखो सी एल ये हो गया एक बॉन्ड ये क्लियर हो गया तो इसलिए यहाँ क्या बचा सी एच इस पूरे फॉर्मेशन को बोल देते हैं द फॉर्मेशन ऑफ डी डी टी बहुत अच्छे से समझना है इसे बोलते हैं क्लोरल क्लोरल और कल हम आपको द सवस्ट इलेक्ट्रोफ्लिक इलेक्ट्रोफ्लिक सबस्टी डायरेक्शन हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सभी इस चैप्टर की सारी वीडियो को देखें और शेयर करें सब्सक्राइब करें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत